चलिए अब नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों में, क्या कुछ खास रहा जम्मू कश्मीर में। एसएसबी और पीएससी की सिलेक्शन प्रक्रिया में हुई धांधली और जम्मू के साथ हुए भेदभाव के विरोध में आज पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू के पढ़े लिखे युवाओं को राज्य सरकार नजरअंदाज कर रही है। हाल ही में स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए 52 लोग सिलेक्ट हुए, जिनमें जम्मू के सिर्फ 14 ही लोग सिलेक्ट हुए। इसके साथ ही उन्होंने सिलेक्शन प्रक्रिया में सरकार पर धांधली का आरोप लगाते हुए इसका जवाब मांगा है। दर्शक बने हुए हैं, कोई भी बयान देने से कतराते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि उनकी नौकरी यानी उनकी मिनिस्ट्री जो है वो महबूबा छीन लेंगी। इसलिए कोई भी इस जो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है जम्मू के युवाओं के साथ, उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू के नौजवानों में एक बहुत भारी रोष है, एक गुस्सा है, जो आने वाले वक्त में एक ज्वालामुखी का रूप धारण कर सकता है, एक बहुत विकराल रूप ले सकता है। और खास तौर पर यहाँ के जो मैंडेटेड लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जवाब देना होगा जम्मू के नौजवानों को, क्योंकि आने वाले वक्त में ये एक बहुत बड़ी एजिटेशन का रूप लेगा। और उसके लिए हम समझते हैं कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के, वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। रामबन में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्टेक होल्डर्स और आम जनता को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग और SSA समूह के सहयोग से मंगलवार को कॉन्फ्रेंस हॉल मैत्रा रामबन में एक दिवसीय कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसका मकसद शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना था, ताकि हर तबके के लोग अपने बच्चों को तालीम के लिए स्कूल भेजें। प्रोग्राम का उद्घाटन जिला विकास आयुक्त रामबन मोहम्मद एजाज ने किया। इस मौके पर DDC ने स्कूलों में बच्चों की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को जल्द सुलझाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। पुलवामा के नेवा क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों समेत स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। ये अभियान नेवा पुलवामा के शुभदानी गांव से शुरू किया गया। इस सफाई अभियान के तहत लोगों को पॉलीथीन के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों के बारे में भी जानकारी दी गई। बता दें कि पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान पूरे जोरों से चलाया जा रहा है, ताकि भारत को स्वच्छ बनाया जाए। बीमारी से रोकथाम हो सके और ये कश्मीर जन्नत बेनजीर बन सके। यहाँ जो पॉलीथीन है, इससे जितनी बीमारियाँ उठती हैं, तो उनसे हमें निजात मिल सके। कुलगाम के जिला उपायुक्त शौकत एजाज भट्ट ने बुधवार को दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी महकमों और अस्पतालों का दौरा किया। शौकत एजाज भट्ट ने जब सरकारी महकमों और अस्पतालों का दौरा किया तो कई अधिकारी इस दौरान ड्यूटी से गायब थे, या यूं कहें कि वो गैर हाजिर थे। इस दौरान उन्होंने गैर हाजिर अधिकारियों की रिपोर्ट ली और 40 अधिकारियों को गैर हाजिर पाया, और उसके बाद उन्होंने तुरंत उन अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में सुविधाओं का भी जायजा लिया और जो भी कमियां थी उसे जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया। मैंने सुबह ही 10-15 महकमों का खुद मुआयना किया, ताकि जहां तक मुलाजमी की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए, जब हमने देखा तो हमारे 99% मुलाजिम हाजिर थे। जो कुछ गैर हाजिर थे, एबसेंट थे, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसके साथ हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी बगौर जायज़ा लिया, यहाँ पेशेंट उसके साथ भी बात की। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हमारी है, हमारा बॉयलर यूनिट ऑलमोस्ट तैयार है, रेडी 90% कम्प्लीट है। जहाँ तक ऑक्सीजन प्लांट का ताल्लुक है, वो भी मैकेनिकल वर्क्स ऑलरेडी कंप्लीट है। हमारे 4 OTs इस वक्त फाइनल स्टेज में है। होपफुली 1 महीने के अंदर अंदर हम नए हॉस्पिटल को भी फंक्शनल बना रहे हैं। जैसे आप राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली ना होने से लोग परेशान हैं और बार बार शिकायतें मिलने पर भी इनकी परेशानी दूर नहीं की जा रही। ऐसे में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और उन इलाकों के बारे में चर्चा की जहां लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जहां भी बिजली की समस्या है उसे जल्द हल किया जाए, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। डोडा में सेना की तरफ से सद्भावना के तहत डोडा क्रिकेट लीग का उद्घाटन किया गया। लीग में 18 टीमों ने हिस्सा लिया।
ये टूर्नामेंट एक सप्ताह तक चलेगा जिसमें 450 खिलाड़ी अपने हुनर का जलवा बिखेरेंगे। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ऐसे आयोजन काफी अहम माने जा रहे हैं, तो वहीं लीग को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने सेना का धन्यवाद भी किया कि इस तरह की प्रतियोगिता वो करवा रहे हैं जिससे वहाँ के लोकल जो खिलाड़ी हैं उन्हें अपनी कला बिखेरने का मौका मिलेगा। सुशील शर्मा है और मैं जो डोडा वारिस क्लब है उसके साथ कह रहा हूँ, और जो यहाँ पर ये जो टूर्नामेंट हो रहा है आर्मी के द्वारा, ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है यंगस्टर के लिए, जो यहाँ पर हमारे डोडा में जो कि यंगस्टर जो है नशे के और जो जा रहे हैं उनसे अलग होने के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट जो आर्मी वालों ने शुरू किया, ये एक बहुत बड़ी पहल है इनकी द्वारा, और इसमें हम यंगस्टर को अच्छा मौका मिलना खेलने के लिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। काफ़ी टूर्नामेंट होते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन जो ये यहाँ पर इस टूर्नामेंट की फैसिलिटीज दिख रही है यहाँ पर, जो कि मेडिकल फैसिलिटी आपको दिखेंगे, हर चीज़ की फैसिलिटी देखने को मिली यहाँ पर, काफ़ी टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि ये काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट, आज पहला दिन इस टूर्नामेंट आर्मी के लिए, वो ऐसे भी हमारे देश के लिए काफ़ी हर चीज़ के लिए आगे है आर्मी, लेकिन जो ये यूथ के लिए क्रिकेट एक्सपोर्ट्स के लिए भी जिन्होंने इनिशिएटिव लिया हुआ वो भी काफ़ी अच्छा है। कुलमगाम हंदवाड़ा के लोगों ने बुधवार को बिजली विभाग के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन किया और इलाके में बिजली की परेशानी दूर करने की मांग की। इन लोगों का आरोप है कि पिछले कई हफ्तों से कुलगांव में ट्रांसफार्मर जल चुके हैं और विभाग को बताने के बावजूद भी किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि विभाग की लापरवाही की वजह से करीब 4000 लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोग कुलमगाम से हमारी हैबिटेशन तकरीबन 83 गर्म पर मुश्तमिल है, 63 केवी ट्रांसफार्मर वहाँ पर है, एक दफ़ा मरम्मत के लिए लाते हैं फिर वापस जब भेजते हैं तो उसी रात में जल जाता है। 101 महीने और 5 दिन हो गए। आपने इस बारे में क्या की? प्लीज लिसन टू मी, 2 दफ़ा इन्होंने वो हमें रिपेयर करके भेज दिया फिर जल गया। हमने इनसे मुतद बार रिक्वेस्ट कर दी, या तो आप गाँव में जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं उनका लोड आप रैशनलाइज कीजिए, या तो हमें ट्रांसफार्मर दीजिए, बदल ट्रांसफार्मर दीजिए हमें 100 केवी का। हम तो रोज़ यहाँ पर आते हैं सर, रोज़ आते हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ ना यहाँ पर एग्जाम मिलता है, ना यहाँ पर AEE मिलता है, ना यहाँ पर कोई मिलता है। अब यहाँ पर लोग आते हैं वो हंगामा करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आज जम्मू के सतवारी में फ्लड कंट्रोल दफ्तर में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में इलेक्शन में चुने गए नए अधिकारियों को एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रघुबीर सिंह मनहास ने सम्मानित कर उन्हें शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस इलेक्शन में चौधरी कीमती लाल को कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन फ्लड कंट्रोल जम्मू के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। कई महीनों से रेगुलराइजेशन पॉलिसी की मांग कर रहे PWR&B विभाग के डेली वेजर्स ने आज जम्मू में सरकार और विभाग के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन किया। डेली वेजर्स यूनियन के प्रधान सतीश शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो पिछले कई महीनों से विभाग में 1994 के बाद लगे कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। मैं प्रधान हूँ PWR&B कैजुअल लेबर यूनियन का, और हमारी मुख्य मांग है रेगुलराइजेशन, जो 94 के बाद लड़के लगे हुए हैं डिपार्टमेंट में उनकी रेगुलराइजेशन का, और जो इस मसले को डिले किया गया है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो गवर्नर राज हो, हमारी मीटिंग द्रबू साहब से हुई थी, उन्होंने मीटिंग में बोला था कि आपका जो मसला है अप्रैल महीने को क्लियर हो जाएगा और आपकी जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी ग्राउंड लेवल पर आ जाएगी, तो अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है, उसी को नज़र हमारी जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी को नज़रअंदाज किया गया हुआ है, और हमारी प्रोटेस्ट करने का मतलब हमारा है कि जो गवर्नमेंट सोई हुई है उसको जगाने का, में हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं हुई तो हम रोडों पे निकल जाएंगे और प्रोटेस्ट करें, रैलियां करेंगे, जिससे गवर्नमेंट की ईंट से ईंट बजा देंगे, और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि उनको ये हमारा संदेश पहुँचाए और रेगुलराइजेशन पॉलिसी फ्रेम की जाए और जल्द से जल्द हमारा जो ये प्रोटेस्ट का है ये मसला हल किया जाए हमारा। ठीक। उधमपुर में जिला अस्पताल की महिला कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन महिला कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 10 महीनों का वेतन नहीं मिला है, और जब ये कर्मचारी वेतन न मिलने पर अपनी आवाज उठाते हैं तो इन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से चुप करा दिया जाता है।
इन महिलाओं की सरकार से गुहार है कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का हल किया जाए और रुका हुआ वेतन इन्हें दिया जाए। आज मेरा नाम अशर शर्मा है और जहाँ पे हमारा टीचर भी धरने पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे किसी ने हमारी बात अभी तक किसी ने नहीं सुनी है। गवर्नमेंट सोई हुई है कुंभकर्णी की तरह नींद पे और हमारा कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया है। हमारी 10 महीने की भी सैलरी जो है बंद पड़ी हुई है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमने बैंक में लोन ले रखे हैं, फिशियल लोन ले रखे हैं, उसका इंटरेस्ट जो हमें महीने वाइज हमें ही देना पड़ा है, चाहे हमारी साल के बाद पेमेंट हो चाहे कुछ भी हो, उसका भुगतान जो हमें ही देना पड़ता है किस्त। अभी कुछ आपके सदस्य जो आप विधायक से ही मिले हैं तो किस तरह बात है? तो उन्होंने हमें कोई फैसला नहीं दिया, उन्होंने यही बोला कि आप ये बात एक बैनोटा पे पूरा बना के रखो और हमारे पास अकेले मिलो यहाँ पे या सीएमओ से बात करो और हमें आप हमें पता ही नहीं है आप टाइप पे बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ 3 दिन हुए, हमें पता ही नहीं है, ये रोज न्यूज़पेपर आया है आ रहा हुआ है, पेपर पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे पास पर्सनल मिलो जहाँ हमें अकेले सीएमओ से बात करो और ये हमें पता ही नहीं है यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है या नहीं चल रही है, उनको पता ही नहीं है। और ये 10 महीने से हमारी पे बंद है, 10 महीने हो जाते हैं, हम यही 4-5 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। डोडा से भगवा जाने वाली 15 किलोमीटर सड़क को पक्का करने के लिए बुधवार को एक बार फिर काम शुरू किया गया। डोडा के विधायक शक्तिराज परिहार ने इस कार्य का उद्घाटन किया और इस सड़क पर कुल 17,97,00,000 रुपए का खर्चा होगा, जबकि डंगोत्रा से गनिका जाने वाली 7 किलोमीटर लंबी सड़क पर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर विधायक शक्तिराज परिहार का कहना था कि डोडा के दूर दराज इलाकों को शहरों से जोड़ने के लिए सरकार और भी सड़कों का निर्माण करेगी। रोड्स को PMGSY में अपग्रेडेशन के लिए लिया गया है, यानी इसमें डोडा से भागवा 15 किलोमीटर की लेंथ है जिसमें 18 करोड़ रुपया खर्च करना है और दूसरा जो हमारा यहाँ से लेके जो डंगरोता से गनिका 8.5 करोड़ रुपया इसमें लगेगा PMGSY के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि जो भागवा के लोगों की एक जो बड़ी देराना मांग थी कि हमें एक अच्छी रोड कनेक्टिविटी इस इलाके को मिले, वो काम आज दोनों शुरू किए गए हैं। जहाँ तक बारिश की बात है कि ये एक अच्छा शुभ माना जाता है कि किसी कार्य को शुरू करते हुए अगर बारिश होती है तो वो अच्छे शगुन माने जाते हैं। मेरी यहाँ के लोगों से भी गुजारिश ये रहेगी, भागवा के लोगों से, कि आप PMGSY के इंजीनियर्स, हमारा जो भी डिपार्टमेंट है और जो एजेंसियां यहां काम कर रही हैं, उनको कॉपरेट करें ताकि जल्द से जल्द हम इस काम को साल के अंदर ही एक अच्छी बेहतर कनेक्टिविटी हम इस इलाके को दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर घाटी में लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या के बाद जम्मू से असिस्टेंट कमांडेंट नबील अहमद वानी ने सरकार को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि आतंकवादी उन्हें और उनकी बहन को धमकी दे रहे हैं। असिस्टेंट कमांडेंट वानी गत वर्ष BSF असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में अव्वल आए थे। वहीं असिस्टेंट कमांडेंट नबील अहमद वानी की मां का कहना है कि उन्हें किसी तरह की कोई थ्रेट नहीं दी गई। उनका साफ कहना था कि वो महफूज हैं और अपने परिवार के साथ हैं। मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है कि नबील अहमद वानी को आतंकियों की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, वो निराधार हैं और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमें किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं है, ना मुझे इस चीज़ का पता है कहाँ से फेक न्यूज़ आई है। मैं भी ऐसे ही सुन रही हूँ और पेपर में पढ़ रही हूँ, मुझे कोई पता नहीं है और हम बिल्कुल ठीक हैं। कोई हमें किसी किस्म का थ्रेट नहीं है, ना कोई डर है। बेटी भी ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बेटा भी, हमें कोई किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है।